Hello students, in today's video we will discuss question number 2 from chapter exponents and powers exercise 12.1. So question is, simplify and express the result in power notation with a positive exponents. ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, जो आपकी ये एक्सप्रेशंस दी गई हैं तो इनको आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखना है. ठीक है, उसके बाद इसकी जो पावर होगी ना, एक्सपोनेंट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. ठीक है, चलिए अभी देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है. लाइक -4 to the power 4 डिवाइडेड बाय -4 to the power 8. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा इजी टर्म में लिखना है. ठीक है, तो एक आइडेंटिटी होती है आपको याद रखनी पड़ेगी हमेशा, कि जब इस तरह से कुछ m बाई n की फॉर्म में दिया हो ना, तो डिनोमिनेटर अगर ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, उसकी पावर -1 हो जाएगी. अगर ये वापस से नीचे चला जाएगा तो ये फिर n जैसा था वैसे ही हो जाएगी, मतलब n की पावर +1 हो जाएगी. अगर ये माइनस n की पावर -2 होता और ये वापस नीचे जाता तो n स्क्वायर हो जाता. ठीक है, मतलब ऊपर जाएगा तो निगेटिव पावर हो जाएगी बस. ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया पहले क्वेश्चन को. ठीक है, डिवाइडेड बाय -4 to the power 8. अब हमें क्या करना था कि हमें जो है पावर जो है पॉजिटिव बनानी थी. ठीक है, ये तो जैसा क्वेश्चन था एज इट इज़ मैंने वैसा लिखा है. ठीक है, इसके बाद मैं इसकी पावर इसको डिनोमिनेटर को ऊपर लेके गया तो पावर जो है माइनस में आ गई. माइनस में आने के बाद पावर जो है फिर बेस जो है -4 सेम है, तो इसका मतलब है कि जो ऊपर की पावर है आपस में जुड़ेंगी. ठीक है, -4 to the power 4 +-8. ठीक है, प्लस माइनस हो गया, 4 में से 8 गया तो कितना बचेगा, -4 बचेगा. जिस डिजिट के साथ जो डिजिट सबसे बड़ी है उसके साथ जो सिंबल होगा वही लगेगा. ठीक है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी थी, 8, और इसके साथ सिंबल क्या था, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया. ओके, तो अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे पूछ रहा है पॉजिटिव एक्सपोनेंट आना चाहिए. तो इसको मैंने क्या बताया था, अगर ये नीचे जाएगी, देखिए यहाँ से अगर ये इस तरह माइनस एन लिखा है तो अगर इसको वापस से नीचे लेके आएंगे तो फिर से एन बन जाएगा, मतलब नेगेटिव पावर हट जाएगी. तो इसी तरह से -4 हटाने के लिए तो मैंने इसको नीचे लेके आया. ठीक है, +4 हो गई पावर, है कि नहीं, अगर ये वापस ऊपर जाएगा तो फिर से ही आ जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, 1/2 cube to the power 2. ओके, यहाँ पे तो सीधा कुछ है ही नहीं. देखिए पावर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन की, 1 का square 2 का cube का square, और जब किसी का जिस किसी पावर की पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर. लाइक देखिए 2 cube square लिखा है, तो पावर जैसी इसके पास आई तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 3 into 2. सिंपल था यह, तो इसको कुछ कहा 1 का square 1 ही रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं. ठीक है, -3 to the power 4 into 5/3 power 4. ठीक है, सिंपल इस तरह से इसको, मतलब पावर इसकी ओपन की 5 to the power 4 3 to the power 4, ये तो ऐसे ही लिखा रहा अभी. ठीक है, इसके बाद मैंने इस जैसे मैंने बताया था इसको ऊपर लेके जाएंगे. क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेस सेम दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा लेकिन 3 यहाँ पे भी दिखेगा, 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इसलिए ऊपर ले गए. अभी देखिए बेस मुझे सेम करना है, 3 ये भी आएगा और ये भी आएगा, -3 है तो बेस अभी सेम नहीं है. ठीक है, तो -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 into 3 लिख सकता हूँ, आएगा तो -3 ही आएगा ना. ठीक है, उसकी पावर 4 है. ठीक है, 5 to the power 4 into 3 to the power -4 जो ऊपर गया था. ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो मैं इसको सेपरेट भी लिख सकता हूँ. ठीक है, -1 की पावर 4 3 to the power 4. ठीक है, और या फिर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, -1 into 3 whole to the power 4. पावर तो सेम है, देखिए या फिर बेस सेम हो जाए या फिर पावर सेम हो जाए. ठीक है, तो आपस में मल्टीप्लाई, अगर देखिए बेस सेम होता है तो क्या किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में, बेस सेम हुआ था. ठीक है, बेस को मैंने एक जगह लिख लिया फिर पावर को जोड़ दिया था. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर सेम है लेकिन बेस अलग है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, 1 into 3 to the power 4, यहाँ पे 4 जो है अलग अलग डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, दोनों के ऊपर सेम पावर आ जाएगी, और यहाँ पे जो 4 जो था नीचे बेस जो था वहाँ पे एक बार लिख लेते हैं और नीचे जो ऊपर जो पावर होती है वो जुड़ जाती है. यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है. ठीक है, तो 5 to the power, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है. इसके बाद अब देखिए,
अब तो हमारा बेस सेम हो गया है ना। और ये -1 to the power 4 का क्या किया, देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर मतलब -1 का 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। -1 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 1 1 आएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनाता है, प्लस बनाता है, ठीक है। अगर यही 2 बार मल्टीप्लाई होने के बाद एक और बार -1 का मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब क्यूब कर दिया जाए, तो प्लस में फिर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस आ जाएगा, मतलब स्क्वायर में पॉजिटिव रहेगा, क्यूब आया तो फिर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि किसी की पावर अगर माइनस है नीचे, अगर लाइक -1 की पावर अगर इवन है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है, जैसे +1 आ जाएगा। अगर -1 की पावर ऑड है, लाइक 3 7 इस तरह से है, तो ये फिर से नेगेटिव ही रिजल्ट देगा। बस आपको हमेशा इतना याद रखना है कि अगर -1 या फिर माइनस का कोई भी टर्म लिखा है नीचे, तो उसकी अगर पावर इवन है तभी वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारे बेस सेम हो गए और ये तो +1 हो ही जाएगा क्योंकि पावर हमारी पॉजिटिव, पावर हमारी इवन है। देखिए 3 3 बेस सेम हुआ, उसके बाद पावर जुड़ जाती है जिसके बेस सेम होते हैं, ठीक है। +4 -4 और 5 5 की पावर 4 है, और 3 की पावर +4 -4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 +4 -4 0, 3 to the power 0। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो क्या होता है, रिजल्ट 1 होता है। चाहे 1000 की पावर 0 हो, चाहे 1 लाख की पावर 0 हो, रिजल्ट हमेशा आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। फाइनली 5 to the power 4 बचा, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 to the power -7 divided by 3 to the power -10 multiply 3 to the power -5, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ऐसे लिख लिया मैंने जिस तरह से दिया, डिवाइड बाई 3 to the power -10 multiply 3 to the power -5, ठीक है। अब देखिए मुझे 3 3 बेस सेम दिख रहा है, और यहाँ पे ये लिखे नीचे, तो इसको हम ऊपर लेके आएंगे, है ना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये -10 था तो यहाँ पे ये +10 में चेंज हो गया पावर, है ना, इसको ऊपर लेके गए, ठीक है। तो अब देखिए, अब सारा बेस सेम हो जाएगा, बेस देखिए सारा सेम है, पावर जो है फिर जुड़ेंगी, -7 +10 -5, तो फाइनल रिजल्ट 3 to the power -2, लेकिन आपको क्या बतानी, पावर पॉजिटिव बतानी है, तो इसको फिर से नीचे कर देंगे, ओके, 1/3 to the power 2। नेक्स्ट जो है 2 to the power -3 into -7 to the power -3, ओके। यहाँ पे देखिए कुछ ये भी नहीं सेम है, बेस तो सेम नहीं है, लेकिन आपका क्या है, पावर जो है सेम है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, पावर अगर सेम है तो नीचे वाले को, बेस को आप आपस से मल्टीप्लाई कर सकते हो पावर के ऊपर, ठीक है। तो पहले तो हमें नेगेटिव पावर हटानी, जो कि हमसे बोला गया क्वेश्चन में कि पॉजिटिव पावर में हमें आंसर देना है, तो इसको 1 बाय किया, ठीक है। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा -2 into 7, क्योंकि मैंने बोला था कि पावर अगर सेम है तो नीचे वाले जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो -2 into 7 whole to the power 3। अगर इसको आप अलग अलग करोगे तो 2 क्यूब अलग लिख सकते हो, -2 क्यूब, और -7 क्यूब अलग से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक साथ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 14 आ जाएगा, 2 7 से 14 whole to the power 3, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में, तो इसका मतलब ये भी एकदम सही है। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच।